Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Jamil Ahmad Khan YouTube channel and I welcome all of you in this channel and I hope ke sab log khairiyat se honge, Allah ki aman mein honge, may Allah protect you, may Allah bless you with health, wealth and prosperity. So jaisa ki aapne thumbnail mein padha hi hoga ke aaj alhamdulillah aaj 1300 rupees maine yahan par kamaye hain profit. तो आज की इस वीडियो में हम इसका खुलासा करेंगे. और उससे पहले होल्डिंग की बात अगर बात करें तो NBCC में फिर से यहाँ पर एक अप मूव देखने को मिला, जिसकी वजह से 3135 का डे PNL बता रहा है और 25,000 हम लॉस पे है अभी प्रेजेंटली. इससे पहले 30,000 का लॉस बता रहा था लेकिन अब 25,000 पे आ चुके हैं हम लोग. देखते हैं ये कहाँ तक जाएगा. अगर आप देखेंगे तो आज अगर आज का इसका डेली देखेंगे आप तो यहाँ पर इसने बड़ी सेलिंग दी एट द स्टार्ट ऑफ द डे. अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल में एक बड़ी सेलिंग आई, ये वाली कैंडल में एक बड़ी सेलिंग आई. मैंने यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी 133.50 पे लेकिन वो मिस हो गई, तो जिसकी वजह से वो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा. अगर आप देखेंगे मेरे ऑर्डर बुक को तो इफ़ यू सी माय ऑर्डर बुक सी 133.50 पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मैंने देखा था लेकिन उसको कैंसिल करना पड़ा. वाई? बिकॉज वो प्राइस मुझे मिला नहीं. उसके बाद इतना भयानक रिवर्सल आया. अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक गया वो मार्केट, 128.50 तक जाके फिर मार्केट ने एक स्ट्रांग रिवर्सल बताया और 135.90 पे अब मार्केट आके खड़ा हुआ है. तो ये NBCC में अप डाउन चल रहा है, तो इसी का फ़ायदा हम उठा कर कमाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आज इसमें प्राइस नहीं मिला जिसकी वजह से हमने इसको छोड़ दिया. अब अगले ट्रेड की बात करेंगे तो ट्रेड है BEL. BEL एक डिफेंस की कंपनी है, ये एक ज़बरदस्त कंपनी है. ये इससे पहले भी हम लोगों ने ट्रेड लिया था, कहीं प्रॉफिट इसमें कमाया, जिसके वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप बारी बारी से वो चीज़ जाकर आप देख सकते. तो BEL एक हलाल कंपनी है और इसको तकरीबन 25,000 करोड़ का ऑर्डर्स इसको मिले हुए हैं. तो ये तकरीबन 120-130 से ट्रेल कर रहा था जब से इसको मॉनिटर कर रहा हूँ मैं, और तकरीबन आज का इसका क्लोजिंग प्राइस है 205 रुपीज़. हाल ही में जब गिरावट आई थी PSU बैंक में तो ये 175 तक गिर चुका था. तो लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली कमाने के लिए यहाँ पर ये लेवल पे. और यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो अगर जो लोग यहाँ पर एंटर कर सकते थे स्विंग में तो अच्छा, यहाँ पर 15% की कमाई यहाँ पर अच्छे से हो जा सकती थी. एनी हाउ बैक टू द ट्रेड के मैं इंशाल्लाह ताला प्लान कर रहा हूँ स्विंग ट्रेड्स के वास्ते भी, स्विंग ट्रेड के भी ऊपर वीडियोस बनाऊंगा बारी बारी से, और इंशाल्लाह ताला एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा इस वीडियो के बाद और वो भी डाल दूंगा. तो हैविंग सेड इट, एक अच्छा मौका यहाँ पर मिला लोगों के लिए और लोगों ने यहाँ पर ज़बरदस्त कमाया भी पैसा. तो बहरहाल आज की अगर हम बात करें तो आज अगर हम 15 मिनट्स की बात करें तो 15 मिनट्स की बात में सबसे पहले 15 मिनट्स का जो चार्ट है उसमें अगर आप देखेंगे तो ये ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर आई. तो यहाँ पर एक छोटा सपोर्ट बन रहा था, सपोर्ट बनने के बाद अगर आप ये वाला रेसिस्टेंस जैसा ही ब्रेक होता है यहाँ पर, ये लेवल पे हमने एंट्री मारी, 203.70 पे हमने एंट्री मारी और एक रुपया का टारगेट रखा, और यहाँ पर 204.70 पे हमने यहाँ पर एग्ज़िट मारा. क्यों एग्ज़िट मारा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अप मूव, और यहाँ का रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस बन रहा था ये तीन कैंडल का, उसको ब्रेक किया, बड़े अच्छे अंदाज में ब्रेक किया, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर एंट्री मारी और कमाया यहाँ पर 1 रुपये.
तो उसकी वजह से यहाँ पर हमारे को प्रॉफिट हुआ अराउंड, इफ़ यू सी माई पोजिशंस, आई हैव गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 1300 रुपीज़। आफ्टर दैट आई कुड नॉट गेट एनी ट्रेड्स बिकॉज बाकी सारे मेरे प्ले लिस्ट के, मेरे वॉच लिस्ट के स्टॉक्स जो है भाग चुके थे। जब तक ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता दूसरे स्टॉक्स 1%, 1.5%, 2%, 3% भाग चुके थे, जिसकी वजह से मुझे दूसरे स्टॉक में एंट्री नहीं मिली और मेरे पास उतना कैपिटल है भी नहीं कि मैं एक से ज़्यादा ट्रेड्स ले सकूं। तो आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज माय कैपिटल इन माय फ्यूचर वीडियोस एंड एज सून एज आई गेट द कैपिटल आई विल टेक पोजीशंस इन मल्टीपल स्टॉक्स एंड आई विल ट्राई टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट एंड आई विल शोकेस टू यू हाउ टू मैनेज डिफरेंट पोजीशंस। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ जितना मेरा कैपिटल है उसके अकॉर्डिंगली आप वीडियोज़ को देखिए और उससे सीखिए, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर ब ज़रूर रहनुमाई होगी। अगर आप निफ्टी 50 की बात करेंगे तो निफ्टी 50 आज फिर से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो सपोर्ट है, लेट मी ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर यू गाइस टू मेक इट वेरी क्लियर, ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन पे फिर से अच्छी यहाँ पर बाइंग देखने को मिली और ये सपोर्ट को जो है फॉलो करता हुआ हमारा स्टॉक जो है ऊपर की ओर फिर से निकल चुका है। तो पहला रेसिस्टेंस ये हो सकता, उसके बाद दूसरा रेसिस्टेंस ये वाला हो सकता, ये वाला पहला रेसिस्टेंस ये वाला हो सकता, पहला रेजिस्टेंस ये वाला और दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला। तो अब हम जो है ऊपर की ओर जो भी स्टॉक्स जा रहे हैं उसमें ट्रेड करके पैसे बनाने की कोशिश करेंगे। अगर फिर ये गिरता है तो इंशाल्लाह हम शॉर्ट में पोजीशन बनाकर उसमें पैसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा आपको खेलना है और ऐसा आपको जो है पैसे कमाना है ट्रेड्स के ज़रिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करिए और इससे फ़ायदा उठाइए, मेरे लिए दुआ करिए। आई विल बी बैक इन अनदर वीडियो, टिल देन आपका भाई जमील अहमद खान साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।